कांग्रेस विधायक देंगे उमा भारती का साथ। आपको सुन के लगेगा कि कांग्रेस विधायक उमा भारती के साथ क्यों खड़े नजर आने वाले हैं। कौन है ये विधायक? दरअसल जबलपुर से कांग्रेस के विधायक हैं तरुण भानोट। उमा भारती का आपको पता ही है, उमा भारती लगातार सरकार के सामने चुनौती बनी हुई हैं शराबबंदी को मांग को लेकर, और वो धरने पर भी बैठी हुई नजर आई मंदिर के पास अयोध्या नगर भोपाल में। अब इसी बात को लेकर जब तरुण भानोट से सवाल किया गया तो उन्होंने ये तक कह दिया कि शिवराज जी जो है वो तो उमा भारती के भाई हैं और उमा भारती बार बार खुद ही यू टर्न क्यों लेती हैं, लेकिन यू टर्न ना लें तो मैं तो उमा भारती का साथ दूंगा। क्यों बैठ रही है मंदिर में उमा दीदी? उनके भाई हैं शिवराज जी, चिट्ठियां लिख रही हैं भाई को। ये भाई बहन का हमें चिट्ठी का आदान प्रदान समझ में नहीं आ रहा। अगर उमा जी गंभीर हैं कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए, उन्होंने तो पहले एक पत्थर भी उछाला था, तो गंभीर हैं तो गंभीरता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं खुद उनके साथ खड़ा होऊंगा और इस आंदोलन में हम कोई पार्टी बाजी को छोड़कर उनका पूरी ताकत के साथ साथ देंगे। पर समझ में आना चाहिए कि वो कितनी गंभीर इस मुद्दे पर है, ये तो सच सामने आए। थोड़े थोड़े दिन बाद उनकी स्टेटमेंट और रूप चेंज हो जाता है। तरुण भानोट कह रहे हैं कि मैं साथ दूंगा अगर उमा भारती बड़ा आंदोलन करेंगी। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस विधायक या कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई शख्स कह रहा हो कि हम उमा भारती के साथ खड़े हैं। कांग्रेस दरअसल बीजेपी के अंदर चल रही इस स्थिति पर पूरी तरीके से सियासी आक्रमण करने के लिए तैयार रहती है। पहले भी ऐसी स्थिति आई जब शुरुआती दौर में उमा भारती शराबबंदी को लेकर मुखर हुई थी और शुरुआती की थी उन्होंने, तब भी कांग्रेस की तरफ से ये बात निकल कर आई थी कि अगर उमा भारती सड़कों पर उतरेंगी तो कांग्रेस जो है कांग्रेस भी साथ खड़ी नजर आएगी। बाद में हालांकि कई नेता इससे किनारा करते हुए भी नजर आए। तो यही बात है कि तरुण भानोट जो कह रहे हैं, तरुण भानोट बाद में कह रहे हैं कि साथ देंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जो उठा रहे हैं वो सवाल उसी स्थिति पर उठा रहे हैं जो बीजेपी के अंदर चल रहा है, यानी कि आखिरकार उमा भारती अपनी सरकार को चुनौती क्यों दे रही हैं। इसी का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, कांग्रेस इसी को लेकर तंज भी कस रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि समझ में ये नहीं आता कि उमा भारती कब यू टर्न ले लें। उमा भारती पहले कुछ और कहती हैं, बाद में कुछ और कहती हैं और बाद में उनके बयान ही पलट जाते हैं। लेकिन चूंकि शराबबंदी भी उमा भारती की तरफ से जो मांग की जा रही है, ये भी मध्य प्रदेश की सियासत में एक मुद्दा तो बना हुआ है, क्योंकि बीच बीच में जिस तरीके से उमा भारती मुखर हो जाती हैं और अपनी सरकार पर ही सवाल उठाती हैं, कांग्रेस जो है हमलावर हो जाती है। जबलपुर से आप तक एक बार पहुंचा यह मसौदा, धीरज शाह ने आप देखते रहे।